अरे जिंदा विश्व अभी ठहरो, अरे जिंदा विश्व अभी ठहरो, अरे जिंदा विश्व अभी ठहरो। डुमरी उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, तमाम दल के नेता अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर वोटरों के अपनी ओर रुझाने में लगे हैं। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने पार्टी प्रत्याशी मोबिन रिजवी के पक्ष में चुनावी सभा करने डुमरी पहुंचे थे। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी मंच से भाषण दे रहे थे, इस बीच भीड़ से पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं बुलंद होने लगी। कभी कुछ हो जाता है तो सागर दौड़ते हुए चीते मारता है। अरे जिंदा विश्व अभी ठहरो, सुनो तुम साकिर साहब लेके आए क्या, तुमको सुनो वहाँ पर। मंच पर जैसे ही ओवैसी के कान तक यह आवाज पहुंची, उन्होंने फटकार लगाई। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि जब भी असदुद्दीन ओवैसी झारखंड पहुंचते हैं और चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, तो यह पाकिस्तान जिंदाबाद कहां से चला आता है? असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान से तो आते नहीं, अब वह आते हैं हैदराबाद से। इससे पहले की अगर बात करें तो जब मांडर उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी चुनावी सभा संबोधित करने रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। और यह दूसरी बार झारखंड में हुआ है कि जब डुमरी उपचुनाव में सभा संबोधित कर रहे हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई दे रहे हैं। इससे एक सवाल खड़ा होता है और विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी की सभा में मौजूद लोगों के पास इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? यह हिंदुस्तान में रहते हैं और यह चुनाव भी हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की प्रेम इन तमाम लोगों में कहां से उठ जाती है? अब देखना होगा कि पुलिस इन तमाम लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। फिलहाल जो जानकारी है कि सभा के 6 घंटे बाद भी किसी तरह की कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।